हाय फ्रेंड्स, जॉब सेंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो रिक्रूटमेंट आया है वो उड़ीसा हाई कोर्ट से आया है और टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है और 202 पोस्ट है और यहाँ पे फीमेल के लिए अलग सीट अवेलेबल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखते जाइए और आप एलिजिबल होंगे तो ज़रूर इसको इस पर अप्लाई करिए। और कहाँ से अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस में मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, ओडिशा हाई कोर्ट से जो रिकमेंड आया है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और आपका ग्रुप बी का पोस्ट मिलेगा और इसका लास्ट डेट जो रहेगा 20 मार्च, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। और जॉब जो लोकेशन होगा वो उड़ीसा में होगा और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग देखिए कौन सा ट्रेड के लिए वोमेंस कितना वैकेंसीज है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज लिमिट होना चाहिए 21 से 32 ईयर्स और SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपीज़ जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। और सैलरी पैकेज देखिए 35,000 से 1,12,000 तक, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगा, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको पास आउट, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मतलब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। और एग्ज़ाम का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा एग्ज़ाम होगा और उसका मार्क्स कितना रहेगा, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिए। लास्ट डेट रहेगा 20 मार्च, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जाकर क्या नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए तो इशू विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं जो बताया गया है वहाँ पे वही वही यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। तो आप पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई नाउ में क्लिक कर दीजिए तो इशू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाकर आपको प्रोसीड टू अप्लाई ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जब प्रोसीड करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो उसमें जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा देखिए डिटेल्स दिया हुआ है, कौन डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई में क्लिक कर दीजिए। तो अप्लाई में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आई एग्री कर दीजिए ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, आप एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डालना है, जो कैप्चर कोड है मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ, 9ZQTB। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप कर दीजिए, आपका कैप्चर कोड ठीक ठाक है तो आप नेक्स्ट स्टेप जा पाएंगे, तो नहीं तो फिर से आपको कैप्चर कोड डालना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम डाल दीजिए और आपका पूरा जेंडर, आपका फिजिकल हैंडीकेप, स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस कर दीजिए, यस एक सर्विस मैन तो यस नो कर दीजिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, नोम नेशनलिटी, आप इंडियन है तो इंडियन ही रहेगा, अलग स्टेट ट्रेड से आप अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी अलग से कंट्री से आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आप ओडिशा से पास आउट है तो येस कर दीजिए, ओडिशा से बाहर से पास आउट है तो नो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाइए, नेक्स्ट सेक्शन में रहेगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद एडुकेशन डिटेल्स, उसके बाद कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, उसके बाद डिक्लेमेशन, मतलब ये पाँचों स्टेप आपको फिलअप करना है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन आएगा। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है और एप्लीकेशन के बाद आपको ईमेल में पूरा डिटेल्स भेज दिया जाएगा। तो आप जब आपका एग्ज़ाम आएगा, आपका ईमेल में और फ़ोन में आपका नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। आई होप जो आपका पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, धन्यवाद।